नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल के आमला के पंखा में यात्रियों की सुविधा के लिए सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य किया जाए। आमला के पंखा में यात्रियों की सुविधा के लिए सुलभ शौचालय निर्माण कार्य की मांग अब तेज हो गई है। आपको बता दें कि भोपाल तथा नागपुर की ओर जाने के लिए पंखा से ही बसें मिलती हैं। यहां देर रात तक यात्रियों का जमावड़ा रहता है, मगर इतने व्यस्त जगह पर एक भी सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। कई वर्षों से बस एजेंट का काम करने वाले अज्जू भाई ने बताया कि यहां कोई भी सुलभ शौचालय नहीं होने के कारण खासकर महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है। पुरुष तो कहीं भी शौच क्रिया कर लेते हैं, परंतु महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती है। यहां शौचालय निर्माण कार्य होना चाहिए। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि सुलभ शौचालय निर्माण कार्य जल्द से जल्द कराया जाए। निर्माथापुरम संभाग ब्यूरो रंजना बामने की रिपोर्ट। राम पंखा पे हजारों की तादाद में पब्लिक औरत आदमी आते हैं, ना यहाँ पे प्रतीक्षालय है, कहाँ पे यहाँ लेडीज के लिए बाहर जाने की व्यवस्था है। मजबूरी में सब खुले में जाते हैं। मोदी जी से निवेदन है कि एक यात्री प्रतीक्षालय एवं महिलाओं के लिए बाथरूम की व्यवस्था तत्काल किया जाए। मिलता ही है क्या? मिलता ही